कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आईडेंटिटी चेक। देश भर में अभी नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके पंडाल में गरबा का आयोजन होता है, जहां हिंदू लड़के और लड़कियां मिक्सअप हो करके कुछ रिलीजियस और कल्चरल रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं। देश में चल रहे अलग अलग लव जिहाद और दूसरे प्रोपेगेंडा की वजह से कई हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले कई सालों में ये वार्निंग दी है कि नॉन हिंदू, खास करके मुस्लिम, गरबा और ऐसे प्रोग्राम में शामिल ना हो। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में ऐसे ही एक गरबा का आयोजन हुआ, जहां कुछ मुस्लिम लड़के पंडाल में थे, जिसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने, मेंबर्स ने निकाल कर खूब मारा पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। सवाल यह है कि जब देश में माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है और बार बार ऐसे हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में वार्निंग और थ्रेट देते रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना अकीदा तौहीद के भी ख़िलाफ़ है, फिर भी क्यों मुस्लिम लड़के ऐसे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ख़ास करके तब जब न सिर्फ आपके ईमान को बल्कि आपके जान को भी ख़तरा हो। कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहां वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में, ये हमारा शुद्ध रूप से कहना। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।